वेलकम टू अनुमोंगास ट्यूटोरियल्स एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम एसक्यूएल टेबल में डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जब हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं तो हमें उसके अंदर डाटा इंसर्ट करना होता है, उसके लिए इंसर्ट क्वेरी या इंसर्ट कमांड का यूज होता है। इसके थ्रू हम टेबल में एक नई रो क्रिएट करते हैं और उस रो के लिए वैल्यूज पास करते हैं। इसका सिंटेक्स हम दो फॉर्म्स में यूज करते हैं कि अगर आपको टेबल के सारे कॉलम्स में वैल्यूज इनपुट करनी है तो हमारा इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, फिर वैल्यूज, फिर जितने आपके कॉलम्स हैं उतनी वैल्यूज उनके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग वन बाई वन आप यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर देंगे। हर वैल्यू को आपको कॉमा से सेपरेट करना है। और अगर आपको टेबल के कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स में वैल्यूज देनी है, सभी में नहीं देनी, तो आप इंसर्ट इनटू टेबल नेम, अब पहले आप ब्रैकेट लगा के जिन जिन कॉलम्स में वैल्यूज देनी है उन कॉलम्स के नेम लिख दोगे, कॉलम के बीच में कॉमा से उसको सेपरेट करोगे। ब्रैकेट क्लोज होने के बाद आप लिखोगे वैल्यूज, उसके बाद आप ब्रैकेट के अंदर जितने आपने कॉलम्स दिए हैं उन कॉलम्स के लिए उनके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग वैल्यूज आप पुट कर दोगे। इन वैल्यूज के बीच में भी आपको कॉमा लगाना है, ब्रैकेट एंड लास्ट में हो जाएगा आपका। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर दोनों तरह से वैल्यूज इंसर्ट करा के दिखाई है कि हम अगर सारे फील्ड्स में वैल्यूज देना है तो हम ये पहले वाली कमांड यूज करेंगे, और अगर हमें एक या दो फील्ड्स में ही वैल्यू देनी है तो हम जैसे हमने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है उस तरह से वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो अभी हम प्रैक्टिकली कैसे टेबल में डाटा इंसर्ट करते हैं उसका एग्जांपल देखेंगे। तो हमने एक टेबल पहले से क्रिएट करके रखी हुई है एम्प्लॉय, जैसे कि मैंने क्रिएट टेबल में आपको बताया था। अब हम उस टेबल में डाटा इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के लिए क्वेरी यूज होगी इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नेम, टेबल का नेम है हमारा एम्प्लॉय, उसके बाद वैल्यूज, वैल्यूज के बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे। अब जो हमारे टेबल के कॉलम्स हैं उनके अकॉर्डिंग, पहला हमारा था एम्प्लॉय नंबर, वो वेयर केयर टाइप का था, तो वेयर केयर में जब आपको वैल्यूज देनी है तो सिंगल कोट्स के अंदर देनी है। तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर के लिए A001 फिर कोट्स को एंड करके, अब नेक्स्ट वैल्यू देने से पहले हमें कॉमा लगाना है, उसके बाद नेम, हम यहाँ पर एक नेम पुट कर देते हैं इस तरह से। फिर ज्वाइनिंग डेट, डेट को देने के लिए आप कोट्स का यूज करेंगे। अब यहाँ पर आप कोई भी डेट उसके बीच में, तो सबसे पहले डे जैसे 10 दिया, फिर उसके बाद मंथ और फिर ईयर इस तरह से, ये हमारी ज्वाइनिंग डेट हो गई। उसके बाद सैलरी, आप सैलरी को नंबर में देना है तो उसके लिए कोट्स की जरूरत नहीं है। उसके बाद डिवीजन, डिवीजन हमारा वेयर केयर में है तो यहाँ पे आप डिवीजन ले लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी वैल्यूज पुट करना चाहें। फिर डिपार्टमेंट, इस तरह से हमने डिपार्टमेंट में वैल्यू पुट कर दी। अब जो वेयर केयर या केयर में होगा या डेट में, उसे तो आपको सिंगल कोट में रखना है, नंबर वाली वैल्यूज आपको विदाउट कोट्स देनी है। उसके बाद हम ब्रैकेट एंड कर देंगे। अब हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पर हमारा आउटपुट आ रहा है वन रो इंसर्टेड। तो इस तरह से हम एक रो इंसर्ट कर सकते हैं टेबल के अंदर। इस केस में हमारी जितने भी कॉलम्स हैं वो सभी फिल होंगे। अगर हमें सभी कॉलम्स की बजाय कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स में वैल्यूज देनी है तब हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम देंगे एम्प्लॉय, उसके बाद आप पहले ब्रैकेट के अंदर कॉलम्स का नेम लिख दीजिए। जैसे मुझे सिर्फ नेम और सैलरी में वैल्यूज देनी है तो यहाँ पे हम लिख देंगे नेम सैलरी, उसके बाद पहले हम नेम के लिए वैल्यू दे देंगे, जैसे यहाँ पर मैं नेम चेंज कर देती हूँ और यहाँ से अब बाकी कॉलम्स हम हटा देते हैं, नेम और सैलरी के कॉलम्स को ही यूज करेंगे हम सिर्फ। और सैलरी में यहाँ पर 20,000 डाल देती हूँ और बाकी कॉलम्स को हटा देते हैं हम, जो वैल्यूज हमने दे रखी हैं यहाँ से, ये कॉमा भी हट जाएगा। तो अब इसमें सिर्फ दो ही फील्ड्स में हमने वैल्यूज दी है, नेम और सैलरी में। हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं रन से, तो एक रो और इंसर्ट हो गई। तो इस तरह से हम दो वेज में वैल्यूज को इंसर्ट करा सकते हैं, या तो सभी कॉलम्स में या फिर सिलेक्टेड कॉलम्स में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप उस पर्टिकुलर टेबल को व्यू कैसे कर सकते हैं, कि हमने जो जो डाटा इंसर्ट किया है वो हम कैसे देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।